Hey guys, what's up? Trick or Tip के इस सीरीज में आपका स्वागत है और इस सीरीज के हर एक एपिसोड में हम कोई ना कोई टिप या ट्रिक जानने वाले हैं। तो बिना वक्त जाए किए लेट्स बिगिन। तो आज हम जो ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं, ये ट्रिक काफी रेयर यूज होता है एंड बिलीव मी, इस ट्रिक को मैंने सिर्फ दो ही बंदों को यूज करते हुए देखा है। इवन मैं खुद इस ट्रिक को रेयर यूज करता हूँ। और मैं किस ट्रिक के बारे में बात कर रहा हूँ अभी दिखाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने तो बोला कुछ दिखाता हूँ। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि आप कोई घर से बाहर की तरफ एनिमी के ऊपर नजर रख रहे हो। सपोज कि आपके सामने वाले घर पे कोई एनिमी है और साइड वाले घर पे भी कोई एनिमी है और आप वेट कर रहे हो कि कौन विंडो से पहले पीक करेगा, पर नीचे कचरे की तरह गिरे हुए आइटम्स की वजह से आपका व्यू ब्लॉक हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस पे सिंपली लोग आइटम लिस्ट को बंद कर देते हैं। तो इससे दिक्कत ये हो सकता है कि सामने पड़े हुए आइटम जिसे ऑटो पिकअप से उठा लेना चाहिए उसे आपका कैरेक्टर नहीं उठा पाता जब तक आप आइटम लिस्ट को वापस ओपन ना कर लेते। और इधर ही आज का ट्रिक जो है उससे आपको फायदा हो सकता है। तो आप सेटिंग्स पे जाइए, फिर पिकअप के अंदर स्टॉप ऑटो पिकअप व्हेन लिस्ट इज कोलैप्स्ड इस ऑप्शन को डिसेबल कर लीजिए एंड बूम, अभी आपका कैरेक्टर हर उस आइटम को उठाएगा जो कि उसे ऑटो पिकअप से उठा लेना चाहिए इवन व्हेन द आइटम लिस्ट इज कोलैप्स्ड। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक गेम के दौरान हेल्प करेगा। सो कमेंट करके मेरे को बताइए कि ये ट्रिक आपके लिए कितना हेल्पफुल था। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।